बिलासपुर जिले का कोटा विकास खंड के सबसे अंतिम गांव ग्राम पंचायत मोहली के प्राथमिक शाला छपरा पारा में है। यहां ग्रामीणों ने बताया कि एक हफ्ता से स्कूल खुला ही नहीं है और यहां के टीचर हैं त्रिलोक सिंह ध्रुव जो स्कूल आते ही नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल द्वारा आत्मन स्कूल खोला जा रहा है जहां बच्चे को सही शिक्षा मिल सके, आगे पढ़ाई कर सके, लेकिन कोटा विकास खंड के टीचर हैं जो मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी पर इनका कोई कंट्रोल नहीं, अधिकारी जांच करने स्कूल आते ही नहीं। ये स्कूल है जो कि एक हफ्ता से बंद है। बच्चे बताते हैं कि बीच में जब स्कूल खुला था 25-26 तारीख को तो टीचर आए थे और बस आने के बाद जो रजिस्टर होता है, जो मेंटेन किए, अपना पुस्तक किताब दिए उनको बच्चे को, उसके बाद चले गए। उसके बाद से अभी तक टीचर नहीं आए हैं। स्कूल का चाबी भी एक तीसरे पढ़ने वाले बच्चे पास छोड़ के रख दिए हैं और बच्चे को बोला गया है कि आप स्कूल खोलना, साफ सफाई करना। बच्चा क्या करेगा, स्कूल खोलता था बंद करता था, अब इस टीचर आते ही नहीं, इस कारण स्कूल बंद है। अधिकारी अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कोटा विकास शिक्षा अधिकारी से बात करने पर बोला गया कि हम संज्ञान में मामला आया है, उनको सस्पेंड करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, आगे मामला को भेजा जाएगा। अब देखना क्या होता है, क्या है इसमें, क्या कार्रवाई करते हैं। स्कूल है जो बंद है, प्राथमिक शाला छपरा पारा। ये कब के बंद है स्कूल? है बहुत दिन के, जब ले खुले है 1 तारीख से बंद है भैया। यहाँ गुरुजी नहीं आए? नहीं आए। कौन गुरुजी की ड्यूटी है यहाँ? त्रिलोक गुरुजी के। और तुम्हारे लड़का को पढ़ते नहीं पढ़े? अब आते यहाँ तहाँ स्कूल बंद रहते तहाँ चल देते भैया घर। अच्छा, बच्चों स्कूल तक आते बंद चल देते? और बच्चों मध्यान्ह भोजन जो मिलते थे लेक जाते? तो यहाँ मध्यान्ह भोजन मिलते कि नहीं मिला? मिलत रही, फिर कहाँ आप बेच नहीं करे ना मिले नहीं। अब जब स्कूल लगा थे तब मिलते खाना पीना। अच्छा, कौन बनाते? गुरुजी मतलब बनाते। अच्छा, ओकर भांचे। मैं सुने हो कि यहाँ बंद रहते स्कूल के, बाकी जहाँ पर लड़का दूसरा जगह पढ़ाते? हाँ, सब को निकाल निकाल के ही तो स्कूल बंद रहते कह के यहाँ।